हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम जो है सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, और जो सीरीज है पूरा थ्योरी ऑफ फ्लाइट, और आज पहला चैप्टर है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो सबसे पहले है कि हम एयरक्राफ्ट को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम विंग के आधार पे, ठीक है, विंग के आधार पे जो है एयरक्राफ्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं। और विंग में भी सबसे पहला है नंबर ऑफ विंग्स। नंबर ऑफ विंग्स में हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, वो तीन टाइप्स में कर रहे हैं फर्दर दोस्तों। पहला रहेगा आपका मोनोप्लेन, दूसरा रहेगा बाईप्लेन, तीसरा रहेगा ट्राईप्लेन। तो मोनोप्लेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मोनोप्लेन का मतलब है मान लो ये अपना एयरक्राफ्ट है दोस्तों, तो इसमें एक ही विंग रहेगी, मोनोप्लेन, ठीक है, मोनोप्लेन हो गया, एक विंग रहेगा इसमें दोस्तों। और बाईप्लेन की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें दो विंग रहेंगे, दो सेट ऑफ विंग्स रहेंगे दोस्तों। ये पहले ज़माने में होते थे ऐसे एयरक्राफ्ट। और ट्राईप्लेन में दोस्तों थ्री सेट्स ऑफ विंग्स में रहेंगे दोस्तों। तो पहले ज़माने में दोस्तों जब एयरप्लेन बने थे, एयरक्राफ्ट बने थे दोस्तों, तो उसमें जो है बाईप्लेन और ट्राईप्लेन जो है बहुत ज़्यादा थे। अभी तो अपना मोनो चल रहा है दोस्तों। विंग में ही दोस्तों अभी हम बात करेंगे दूसरी टाइप की। दूसरा टाइप रहेगा दोस्तों पोजीशन ऑफ विंग। पोजीशन ऑफ विंग के आधार पे भी जो है हम एयरक्राफ्ट को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा, ये भी फर्दर तीन पार्ट्स में जो है हम इसको क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट्स रहेगा दोस्तों, इसमें लो विंग रहेगा, मिड विंग रहेगा और हाई विंग रहेगा। तो हम बात करेंगे लो विंग की, मिड विंग की और हाई विंग की। फर्दर हम बात करेंगे लो विंग की। तो मान लो ये हमारा एयरक्राफ्ट था दोस्तों, और इसमें जो लो विंग रहेगा वो एयरक्राफ्ट के नीचे रहेगा, जो हमारा जो विंग रहेगा वो एयरक्राफ्ट के नीचे रहेगा दोस्तों। मिड विंग की मैं अगर बात करूँ, तो वो एयरक्राफ्ट के जो फ्यूजलेज है, एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज के एकदम सेंटर से गुजरेगा। और हाई विंग में दोस्तों पूरा फ्यूजलेज के ऊपर अटैच होगा ये विंग, उसको हम हाई विंग प्लेन बोलेंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया पोजीशन ऑफ विंग्स के आधार पे। अब हम बात करते हैं दोस्तों शेप ऑफ विंग की। विंग की शेप के आधार पे भी जो है एयरक्राफ्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है। इसमें भी दोस्तों बेसिकली हम तीन टाइप्स ले लेते हैं, बहुत सी टाइप्स हैं दोस्तों वैसे तो। शेप ऑफ विंग्स के आधार पे जो है हम एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा जो है क्लासिफाई कर सकते हैं टाइप्स में, लेकिन हम मेनली बेसिक बेसिक लेके चल रहे हैं दोस्तों, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शेप ऑफ विंग की मैं बात करूँ, तो इसमें रहेगा एनहेड्रल, एनहेड्रल विंग्स, डाईहेड्रल विंग्स और स्वेटबैक। तो ये एनहेड्रल, डाईहेड्रल और स्वेटबैक विंग क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम बात करेंगे एनहेड्रल की। तो एनहेड्रल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये अपना एयरक्राफ्ट है दोस्तों। ये एकदम बेसिक मैं आपको स्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट का बता रहा हूँ कि ऐसा अगर ऐसा एयरक्राफ्ट होता है, ये इसकी टेल हो गई है, तो एनहेड्रल विंग्स जो रहेंगी दोस्तों वो ऐसी रहेंगी। आपने बहुत सारे एयरक्राफ्ट देखे होंगे जिनका विंग्स जो है थोड़ा ऐसे स्लोप में रहता है दोस्तों, नीचे की तरफ जो है टिप्स झुकी रहती हैं, उनको हम एनहेड्रल बोलते हैं। और डाईहेड्रल में अगर हम बात करूं मैं, तो डाईहेड्रल में दोस्तों विंग्स इसकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहती हैं। हमारे जो एवरो एयरक्राफ्ट हैं जो कि अपने एयरफोर्स के हैं दोस्तों, उनमें डाईहेड्रल रहता है इसमें। आई होप आपको एनहेड्रल और डाईहेड्रल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्वेप बैक विंग्स की। और ये मेनली फाइटर प्लेन्स होते हैं दोस्तों, इनमें जो विंग्स हैं वो पीछे की तरफ रहती हैं, पूरा पीछे की तरफ रहती है, नीचा नहीं, ये नीचे नहीं है दोस्तों। मैं 3D में आपको समझा नहीं पाऊंगा। जैसे कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है दोस्तों, तो इसमें एनहेड्रल तो ये हो गया, डाईहेड्रल दोस्तों ये हो गया, और स्वेपबैक पीछे की तरफ रहता है। उनको ज़्यादा स्पीड चाहिए दोस्तों, पीछे की तरफ विंग्स रहते हैं उनके। नेक्स्ट जो हम क्लासीफाई करेंगे दोस्तों हमारे एयरक्राफ्ट को, वो क्लासीफाई करेंगे लैंडिंग गियर से। तो दोस्तों हम लोकेशन ऑफ लैंडिंग गियर से हम क्लासिफाई करेंगे अभी एयरक्राफ्ट को। और ये लैंडिंग गियर क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। ये एयरक्राफ्ट हो गया अपना, और इसमें
ये हो गए मेन और ये हो गया नोज। तो ये लैंडिंग गियर है दोस्तों, ये मेन लैंडिंग गियर है और ये नोज का लैंडिंग गियर है दोस्तों। तो ये हम इनको लैंडिंग गियर बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों हम जो है लैंडिंग गियर की लोकेशन और उसका टाइप, लोकेशन एंड टाइप से हम जो है उनको क्लासिफाई करेंगे अभी एयरक्राफ्ट को कि भाई किस टाइप का लैंडिंग गियर इसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा जो आएगा वो आएगा रिट्रैक्टेबल, हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं लैंडिंग गियर को। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों नॉन रिट्रैक्टेबल, नॉन रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। और जो तीसरा रहेगा दोस्तों वो रहेगा टेल व्हील, टेल व्हील रहेगा, ये नॉन रिट्रैक्टेबल ही होता है दोस्तों। लेकिन हम इसको थोड़ा अलग क्लासिफाई कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। पहले डाकोटा जो एयरक्राफ्ट होते थे दोस्तों उसमें टेल व्हील रहता था। बात करते हैं रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर जो होते हैं जो दोस्तों, वो क्या होते हैं दोस्तों। जैसे कि एयरक्राफ्ट है अपना और इस एयरक्राफ्ट में लैंडिंग गियर है दोस्तों, तो इन लैंडिंग गियर को हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होगा दोस्तों, ये लैंडिंग गियर जो है फ्यूजलेज के अंदर चले जाएंगे, मूव करेंगे फ्यूजलेज के अंदर चले जाएंगे दोस्तों। ये भी अंदर चला जाएगा, ये अंदर फोल्ड हो जाते हैं लैंडिंग गियर, उनको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल। और जिनका फोल्ड नहीं होते हैं अंदर की तरफ उनको बोलते हैं नॉन रिट्रैक्टेबल। अब हम बात करते हैं नॉन रिट्रैक्टेबल का एक स्पेशल टाइप है टेल व्हील। ये क्या होता है दोस्तों, पहले डाकोटा एयरक्राफ्ट जो अपने होते थे उनमें क्या होता था दोस्तों, टेल व्हील रहता था उसमें। जैसे कि मेन में आपके दो हो गए और टेल व्हील रहता था जो इसका उल्टा है एकदम, ये इसका मेन व्हील जो है वो आगे रहते थे, टेल व्हील पीछे रहता था। तो दोस्तों पीछे टेल व्हील इसमें एक लगा रहता था तो उसको हम टेल व्हील बोलते थे। ये भी नॉन रिट्रैक्टेबल टाइप्स में था, डाकोटा एयरक्राफ्ट थे हमारे, अभी तो ग्राउंडेड हो गए हैं दोस्तों। फर्दर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट की, तो दोस्तों हम अभी बात करेंगे इंजन की, पावर प्लांट्स की। हम पावर प्लांट्स के आधार पे भी इंजन को डिवाइड करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 3, वो है अकॉर्डिंग टू पावर प्लांट। इंजन की हम बात करेंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू पावर प्लांट। एयरक्राफ्ट का पावर प्लांट इंजन ही होता है दोस्तों। तो इसमें होगा तीन टाइप, अगेन हम इसमें जो है इनको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले रहेगा सिंगल इंजन, ट्विन इंजन, और ये रहेगा मल्टी इंजन। दोस्तों नाम बता रहा है आपको, इसमें इंजन एक रहेंगे, इसमें दो रहेंगे, इसमें दो से ज़्यादा रहेंगे, इसमें मल्टी इंजन रहेंगे। जैसे कि ये अपना जो HAL का जो अजीत है दोस्तों, HAL का अजीत एयरक्राफ्ट है हमारा एक, उसमें सिंगल इंजन लगा हुआ है। ट्विन इंजन जो है आपने देखा होगा बोइंग 737 है उसमें ट्विन इंजन लगे होते हैं, और मल्टी इंजन में बोइंग 707 है दोस्तों, DC-10 भी है अपना, इनमें दो से ज़्यादा रहते हैं, उनको मल्टी इंजन हम बोलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन पे हम इसको फर्दर और भी क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों, लाइक पिस्टन इंजन हो गया, टर्बो प्रोप हो गया, टर्बो जेट हो गया, टर्बो फैन हो गया, रॉकेट हो गए, तो इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बेसिक आपको अभी इतना ही समझने की ज़रूरत है। बाकी लोकेशन ऑफ इंजन की से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, रियर फ्यूजलेज में है, रियर फ्यूजलेज में ट्विन इंजन हो गया, सिंगल इंजन हो गया, रियर फ्यूजलेज में 3 इंजन होता है, DC-10 में जो आपको मैंने ये बताया था इसमें DC-10 में 3 इंजन्स होते हैं दोस्तों। तो फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिक हम आपको बताएंगे दोस्तों, अभी साथ साथ हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे आगे। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू फ्यूजलेज, अब ये फ्यूजलेज क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, और 4 नंबर पॉइंट है अपना अकॉर्डिंग टू फ्यूजलेज। फ्यूजलेज से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्यूजलेज होता है दोस्तों जहाज़ का, आपने कभी ट्रैवल किया होगा, और आप ये एयरक्राफ्ट हो गया और ये मान लो एयरक्राफ्ट का कॉकपिट हो गया दोस्तों, और फ्यूजलेज में जैसे कि हम लोग बैठते हैं, जो पूरा ये जो सेक्शन रहता है, ये टेल सेक्शन हो गया एयरक्राफ्ट का, ये नोज सेक्शन हो गया, इनके बीच में ये पूरा फ्यूजलेज है जहाज़ का। अगर कार्गो एयरक्राफ्ट है दोस्तों तो इसमें सामान आएगा, अगर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है तो हम लोग जहाँ पे बैठते हैं वो जो स्ट्रक्चर रहता है पूरा, वो फ्यूजलेज है एयरक्राफ्ट का।
तो दोस्तों फ्यूजलेज में हम कैसे इसको करेंगे वो हम बताते हैं। सबसे पहला जो होगा वो है राउंड शेप का, अगर किसी का फ्यूजलेज है पूरा राउंड शेप का है दोस्तों, तो उसको हम कहेंगे, जैसे कि मैं इसको पूरा फ्रंटल व्यू आपको दिखाता हूँ, अगर ऐसा है तो राउंड शेप का हो गया, तो इसको हम कहेंगे राउंड फ्यूजलेज हो गया। स्क्वायर भी होता है किसी का दोस्तों, अगर स्क्वायर फ्यूजलेज है तो उसको स्क्वायर फ्यूजलेज कहेंगे। SPT-32 स्क्वायर फ्यूजलेज था, तो सॉरी स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे, सेकंड वाला एक्सप्लेन हो गया। नंबर थ्री जो है वो है ओवल में, अंडाकार अगर किसी का फ्यूजलेज है, होक की मैं अगर बात करूँ दोस्तों तो उसमें ओवल शेप रहता है। तो दोस्तों ये था फ्यूजलेज के अकॉर्डिंग भी हमने एयरक्राफ्ट को क्लासीफाई कर दिया है, और यहाँ पे हम फर्दर भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं दोस्तों, लाइक मिशन के अकॉर्डिंग कि क्या मिशन है एयरक्राफ्ट का। तो अगर मैं बात करूँ मिशन की, तो मिशन में भी हम तीन टाइप से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और मिशन में हो गया सिविल एयरक्राफ्ट हो गया, आपने जो इंडिया में सिविल एयरक्राफ्ट हैं वो उनको एक सेपरेट क्लास हमने दे दिया कि भाई सिविल एयरक्राफ्ट है ये। फिर हम बात करते हैं कार्गो एयरक्राफ्ट, सिविल में ही कार्गो होते हैं दोस्तों, हम उन्हें उनको कार्गो एयरक्राफ्ट में जो है क्लासीफाई कर दिया कि ये कार्गो एयरक्राफ्ट है। और लास्ट वाला जो अपने इंडिया में मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं, तो हमने उनको तीन श्रेणी में जो है बांट दिया है, सिविल, कार्गो एंड मिलिट्री। दोस्तों ये थे हमारे जो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, और ये हमारा एक छोटा सा बेसिक लेसन था एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अगर आपको जो है सीरीज़ पसंद आई, अगर पहला चैप्टर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो सेकेंड चैप्टर के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना दोस्तों।